अभी ये मिल जाएगा पोस्टर स्पेशल, मैनचेस्टर मिल जाएगा, स्टॉपस्टर मिल जाएगा, जॉयस्टर मिल जाएगा, ये चारों मिल जाएंगे। पीछे बताते हैं आपको कैसे। फूस्टर अपने लोग आ चुके हैं, मार हम लोग फूस्टर स्पेशल इधर पिए थे, बहुत जबरदस्त। यहाँ पीते पीते थोड़ा ज्यादा बीपी हो गया। हेलो एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ, इस छोटू के साथ। तो हम लोग आ गए थे लुलू, चल। तो हम लोग आ गए थे लुलू घूमने, इसको घुमाने छोटू को। छोटू नाम क्या है तुम्हारा? आज रश कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा। आगे कैसा लग रहा है? तेज बोल। मस्त। क्या? मस्त लग रहा है गाइस। तो भाई ऐसी लगी है बिलिंग पे जैसे फ्री में बैठ रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, एक नहीं नए दिन की शुरुआत नहीं, आज का ब्लॉग नेक्स्ट दिन कंटिन्यू हो रहा है। लुलू से आने के बाद हमने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, ना आगे पीछे कुछ नहीं किया, ना सुबह से ब्लॉग कंटिन्यू किया। शाम का टाइम हो रहा है 4, तो अभी हम लोग इसको तो पहचान रहे होंगे आप लोग कैसे हैं व्यूवर्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह, निफ्टिल की ऑफिस है हजरतगंज में, तो वहाँ जा रहे हैं। मोहम्मद को चीज दिखानी है, वो दिखाते हैं। वहाँ पे इमाद भाई का एक काम हुआ था, बहुत जबरदस्त ऑफिस, बहुत जबरदस्त बना था। और एक तो काम भी अच्छा हुआ, और जब से काम हुआ है उस ऑफिस का जो रेवेन्यू है उस ऑफिस जो उस कंपनी को बनता था वो भी डबल हो गया है। ठीक है, तो बरकत आती है। इमाद भाई का काम कराओ तो आपका बरकत भी आएगी आपके काम में। और एक सरप्राइज है, हम लोग जा रहे हैं एक चीज देखने। हाँ, जा रहे हैं। हाँ। लेकिन दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए? जब बात डन हो जाएगी तब दिखाया जाएगा। लेकिन ऑप्शन दे देते हैं कि पहले आपने कुछ वीडियो में कुछ दिन पहले एक वादा किया था आगे सीखा। क्या वादा किया था? कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे कुछ आप करने वाले थे। क्या करने वाले थे? दिल्ली वो रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। नहीं बताया। तो उसका क्या हुआ? तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए। 1100 हो गए। 1000 बोला था, 10000 बोला था, बोले थे 1000। चलो अब जगह ढूंढ, आशु भाई दिल्ली वाले जो है अपने जगह ढूंढो, हम बना रहे नवा भी कबाब। मोहम्मद को जो चीज हमें दिखानी थी वो हमने इसको दिखा दी। कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं थी भाई, एक ऑफिस का काम था जो आप पहले भी आप सुने होंगे। पूरी चीज बताया करिए, मतलब ब्लॉगिंग में उसमें हमने काम वहाँ किया था, वो इसको दिखाना था। तो इनको इन्होंने एक ऑफिस का काम किया था, हमको वही सेम चीज करवानी थी। लेकिन वहाँ जाके पता चला जब से इमाद भाई ने काम किया है वहाँ का काम डबल हो गया, कि वो दो ऑफिस और खरीद रहा है मालिक कलकत्ता में वो भी। तो ये बात दर्शाती है कि इमाद भाई के काम में बरकत भी है। तो आप काम कराइए, अगर आप इनके थ्रू शादी भी कराएंगे तो 2 शादी होगी इंशाल्लाह। इसका फायदा होगा उसमें। आप होटल डायमंड पैलेस में करवा सकते हैं, इनके थ्रू अगर कराएंगे तो बरकत होगी शादी में। अभी हम लोग कुछ बैठे भाई, हम लोग की बात हो रही थी। वो बात क्या हो रही थी मम्मा? बात ये हो रही थी भाई कि यार अब बहुत दिन से हम लोग कोई शुरू वरूम गए नहीं है। हमने लास्ट किया सोनेट लिए थे 3-4 इस पे ग्रेनाइट आ रहा, कुछ डैमेज हो गई थी, हमारा मूड खराब हुआ, जाके सोनेट ले लिए थे अपने लोग। सेम कलर नहीं तो अमून ब्लैक या व्हाइट ली जाती है, ग्रे ले ली थी। तो अब सोचा बहुत दिन से कोई शुरू नहीं, चले देखाते हैं आजकल कोई नई। वो आई 3XO आई है उसकी, महिंद्रा की देखते हैं। महिंद्रा हमारे देश का ब्रांड है, महिंद्रा हमारे देश का ब्रांड है, और जापान का ब्रांड भी देख लेते हैं। जापान का भी देख लेते हैं, क्योंकि हम अभी जापानी गाड़ी में ना मारुति में नहीं, इसको नहीं बोल सकते ये इंडिया की पहली पसंद है। टोयोटा महिंद्रा दोनों आमने सामने, दोनों की देखते हैं क्या क्या। मैं टोयोटा में एक टेजर करके वही आ रही है जो मारुति की फ्रॉन्क से, वही नई लॉन्च हो रही है, छोटा चक्का हो जाएगा। देखते अब लेना किसको, देखते हैं गाली चल के, देखने में क्या जाता है। कॉफी पीने का थोड़ा मन था, हम लोग जा रहे थे कॉफी पीने। अब ये हुआ पेमेंट करके कॉफी पीने से अच्छा है कि फ्री की कॉफी पीते हैं। ये इमाद भाई का आइडिया था हमारा नहीं। सीसीडी की कॉफी रहती है भाई, अच्छी रहती है। तो ये इमाद भाई ने बोला चलते हैं कॉफी। झूठ बोल रहा है। और क्या आपको लगता है कि हम बोलेंगे चिंदी चीज हम करेंगे? 40 रुपए का फ्रूट चाट खाने जा सकते हो? अरे भाई उधर 40, अब उसका रेट ही उतना है तो हम क्या दे। हम वो है कि दुनिया का आखिरी अमरूद खरीदने गए, आखिरी फ्रूट चाट था वो कि कभी नहीं मिलेगा। कि जो कौन सी मूवी थी, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई वाली, सुल्तान मिर्जा है हम, उम्र काफी है, होना चाहिए नहीं। तो अभी यहाँ लगा हुआ ट्रैफिक, टाइम नहीं दिखाएंगे, 5 बजने वाला है। देरी गाड़ी बढ़िया है,
चलते हैं पहले जाम खुले पग से वहाँ देखते हैं हम लोग। तो एक शोरूम अभी हम यहाँ आए विजिट करने। ये देखिए आउटफिट ऑफ द डे दिखा दे। मैं अपना नहीं दिखाऊंगा, मेरा नहीं अच्छा क्योंकि मैं ऑफिस से आया हूँ। निकाल चुके हैं यार, टोयोटा वाले इंडियन कस्टमर को पता नहीं क्या समझ के रखे हैं, हर चीज में रेट बढ़ा दे रहे हैं। हर चीज में मतलब रेट बढ़ा दो, फीचर क्रॉस कटिंग इतनी बेगैरत क्रॉस कटिंग, मतलब अगर आप 23 लाख रुपया ले रहे हैं किसी का, उसमें अलॉय व्हील नहीं दे रहे, ऑटोमेटिक एसी नहीं दे रहे, अंदर इंटीरियर ऐसा उससे कई गुना ज्यादा मारुति की एक्सेल 6 का इंटीरियर अच्छा है। अच्छा अब दूसरे जगह चलते हैं। अरे मतलब मूड खराब हो गया, अब दूसरी जगह देख लेते, हो सकता मूड अच्छा हो जाए। वैसे हम देख के क्या करें, लेना तो है नहीं गाड़ी, फालतू का मूड खराब कर रहे हैं। चल देख लेते हैं। हम लोगों ने दो गाड़ी की, एक गाड़ी की तारीख मोहम्मद पीछे कर चुका है, गाड़ी की नहीं कंपनी की तारीख कर चुका है। गाड़ी हम लोग मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ क्रिस्टा दिखी, मतलब क्रिस्टा चलो देखे व्हील कैप, बोले व्हील कैप भाई इतनी 23 लाख की कोई गाड़ी लेगा और व्हील कैप हुआ, क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई इंडियन कस्टमर, 23 लाख समथिंग इंडियन कस्टमर्स को आप क्या समझ के रखे हैं। तो और फिर हम लोग बोले हटाओ, मूड खराब गए। सेल्स डिपार्टमेंट अच्छी है वहाँ की, वो हमारे जानने वाले भी थे, परिचय था, तो अच्छे आदमी है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियाँ ही बेकार है बेचारे, क्या बेचेंगे, लेकिन फिर भी लोग हैं एक आध नमूने टाइप के ले लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे गए महिंद्रा, महिंद्रा में 3XO खड़ी थी लेकिन 17 लाख की थी टॉप मॉडल, फीचर्स हैं लेकिन उस साइज के लिए तो नहीं। फिर हम लोग बोले चलो एक बार XUV700 देख लेते हैं, ब्लैक कलर आया था अच्छी लग रही थी, उसकी टेस्ट ड्राइव भी हिम्मत भाई लिए, उसकी क्लिप्स अगर होगी तो डाल दीजिएगा, नहीं बनाए, वो सेंसेबल ऑप्शन लग रहा था। तो अगर आप हमसे एज ए बायर पूछे आपका बजट है 25 लाख रुपया का और आपको SUV चाहिए, 25 भी नहीं यार, X5 का बताओ, X5 2180 की है X5, तो जो वैल्यू फॉर मनी है, उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट, सब कुछ मिल रहा है, मतलब क्रूज कंट्रोल जो हमको रोज यूज करना है वो सब कुछ मिल रहा है, और वो हम रिकमेंड करेंगे आप वो लीजिए। टोयोटा की तरफ कभी देखिएगा ही नहीं, क्योंकि टोयोटा वालों ने हम इंडियन कस्टमर्स को पता नहीं क्या समझ के रखा है, अब शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, नहीं तो वही समझ के रखा है, तभी ऐसी गाड़ियां बेच रहे हैं इतनी महंगी महंगी। और अगर 23 लाख में वो ऑटोमेटिक AC दे दे, अलॉयज दे दे, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रिलायबल इंजन है उनका, लेकिन इंजन रिलायबल है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो। बोल तो दिया, कितना बोल खत्म। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कौन सा जूस पीने, एक फूस्टर जूस है, हमारे नसीम भाई ओनर है वहाँ के, अलग चीज है लखनऊ में, बहुत अलग चीज है, आपको उनसे रूबरू भी करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, चलते हैं जूस पीते हैं वहाँ, आपसे मिलते हैं टेस्ट ऑफिस सीधे, वहाँ मिलते हैं टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है, अगर अच्छा हो तो आपको भी सजेस्ट करते हैं। अभी ये मिल जाएगा पोस्टर स्पेशल, मैनचेस्टर मिल जाएगा, स्टॉपस्टर मिल जाएगा, जॉयस्टर मिल जाएगा, ये चारों मिल जाएगा, पीछे बताते हैं आपको कैसा। अपने लोग आ चुके हैं हिमाचल, हम लोग फूस्टर स्पेशल इधर पिए थे, बहुत जबरदस्त, यहाँ का पीते थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए, उसमें इतना बिजी हो गए, टेस्ट में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हम लोग आपके साथ शेयर करना भूल गए कि कैसा था। तो हम भाई ये तो पिया है कई बार, नई ड्रिंक थी, मैं ड्रिंक वैसे ट्राई नहीं करता जल्दी, पर हाँ अगर 10 में से 10 रेटिंग दी तो टेस्ट के लिए तो कोई वो नहीं है, एक बार आप आकर ट्राई कर सकते हैं। और जूस भी अच्छा है इनका, क्योंकि इनका जो बेसिकली जूस है ये कॉन्सेंट्रेट खुद बनाते हैं, खुद ही बनवा, आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम आपसे यहाँ के ओनर से मिलते हैं। तो नसीम भाई हमारे, हमारे नसीम भाई कैसे हैं, आप कैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है। नसीम भाई जरा इनको फूस्टर के बारे में बताइए कि अपना कैसे अलग है जूस दूसरों से। हम लोग का प्योरली नेचुरल है, कोई फ्लेवर यूज़ नहीं करते, आइस यूज़ नहीं करते, कलर यूज़ नहीं करते, कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, अवाकाडो और मैंगो, ये सारे फ्रूट्स हैं जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं, बेसिकली वो फ्रोजन होते हैं। और हम लोग का स्मूदी स्पेशल इसलिए है कि हम लोग का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है फूस्टर स्पेशल, जो भी हम लोगों ने पिया है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसकी फैन फॉलोइंग हमारी मार्केट में बहुत अच्छी है। नहीं, मैंने भी टेस्ट किया, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और 5 फ्रूट मिक्स होता है, बाकी हमारे जितने भी हैं अवाकाडो शेक, हमारे पास स्मूदी और शेक दोनों है जी, जो लोग अवाकाडो के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं बहुत ही ज़्यादा अवाकाडो वगैरह का वो लेते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो वो हमारा अवाकाडो वगैरह भी ट्राई करते हैं जी। तो लोकेशन हमारा जॉबलिंग रोड पे, ये आपका
जावेद हबीब के नीचे हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं जी। लिंक पे जो है आप क्लिक करेंगे हमारी लोकेशन लाइव, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप आ सकते हैं, उसको शो हो जाएगा। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर उस पे रहेगा, वो भी आप मैं मोबाइल नंबर और आपकी लोकेशन उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और हम तो कहेंगे एक बार आइए, आप लोग कंज्यूम मत करिए, खाली आप टेस्ट करने आइए, टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है जी। ये कोई देता नहीं है अक्सर, अगर इनको इतना टेस्ट पे अपना भरोसा है, इनको इनका ये कहना है कि जो एक बार पिएगा वो जरूर, और तीन साल पहले मैं इसी फ्री सैंपल की वजह से ही है कि चलो टेस्ट करके देखते हैं, और हमने सैंपल लिया और अभी तक तीन साल से इनका कस्टमर हूं जी। हाँ, हम लोग जो है टेस्ट फ्री करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे देन आप कंज्यूम करें, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। वही अभी मैं बता रहा था कि हम लोग ड्रिंक मतलब पीने में इतना बिजी हो गए कि उसका रिव्यू देने ही भूल गए। हमारे पास इसके अलावा बर्गर है, बर्गर हमारा डिफरेंट है, आप एक बार खा के देखिए, और मैकडी में खाते हैं, दोनों में फर्क आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे मसाले की रेसिपी और हम लोग जो भी मेयोनीज वगैरह यूज करते हैं ये अपना अपना एक रेसिपी है जी, हम अपना तैयार करते हैं, इन हाउस तैयार करते हैं इसको। और उसके बाद हमारे पास आपका चिली गार्लिक नगेट, चीज कॉर्न नगेट, मोमो फ्राइड, पनीर मोमो, फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज, पनीर नगेट्स, वेजी रोल्स, ये सारी चीज़ें हैं जी। तो आप ड्रिंक्स के साथ साथ आप खाने पीने का स्नैक्स भी है हमारे पास, आप कभी अपनी फैमिली के साथ आइए, एंजॉय करिए, इंशाल्लाह अच्छा माहौल आपको मिलेगा।